महंगे पेट्रोल से देश की आम जनता तो परेशान है, लेकिन कभी किसी सेलिब्रिटी को आपने पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ धरने पर बैठे देखा है? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत से परेशान महेंद्र सिंह धोनी परिवार के साथ पेट्रोल पंप पर धरने पर बैठ गए हैं। अब ये सच है या मजाक? पर्दा उठाएगा वायरल सच। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी पेट्रोल पंप पर जमीन पर बैठे हैं। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी भी बैठी है और तस्वीरों में कई और लोग भी मौजूद हैं। सोमवार को भारत बंद के दौरान ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और दावा किया जाने लगा कि धोनी पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का सब परिवार विरोध जता रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं, धोनी ने भी पेट्रोल पंप पर अपनी पत्नी संग बैठकर महंगाई का विरोध जताया। कुंदन कुमार ने फेसबुक पर लिखा, इस महंगाई के विरोध में पेट्रोल पंप पर धरना देते हुए धोनी और उनकी पत्नी। महेंद्र दुबे ने लिखा, क्या सरकार को धोना है पेट्रोल से? तो क्या सच में धोनी बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों का विरोध कर रहे हैं? अगर नहीं तो पत्नी के साथ पेट्रोल पंप पर इस तरह बैठने की वजह क्या है? अगर ये तस्वीर भारत बंद के दौरान प्रदर्शन की नहीं है तो कब की है और असल कहानी क्या है? तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे के सच तक पहुंचने के लिए वायरल सच ने पड़ताल शुरू की। पता लगा धोनी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। तो क्या शिमला में धोनी महंगे पेट्रोल का विरोध जता रहे थे? सच हमें उसी पेट्रोल पंप से पता लगता जहां की तस्वीर खींची गई थी। हम उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पूरी कहानी साफ हो गई। ये तस्वीर दो दिन नहीं बल्कि दो हफ्ते पुरानी है। 29 अगस्त को धोनी परिवार के साथ पेट्रोल पंप पर आए थे। अब ये तो साफ हो गया कि वजह महंगे पेट्रोल का विरोध नहीं है, तो फिर धोनी इस तरह पेट्रोल पंप पर क्यों बैठे थे? कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मास्टर कार्ड था, उसकी एड की शूटिंग हुई थी। कोई कम से कम 1-1.5 घंटा करीब रहे थे। हाँ जी, धोनी थे और साथ में पंकज कपूर जी थे। पेट्रोल पंप के मैनेजर सुरेंद्र सिंह ने साफ किया कि धोनी यहां आए तो जरूर थे, लेकिन आने की वजह विरोध प्रदर्शन नहीं विज्ञापन की शूटिंग है। शूटिंग के चश्मदीद रहे पेट्रोल पंप के सेल्समैन विपिन ने पेट्रोल पंप पर बैठने की कहानी और विस्तार से बताई। उन्होंने ऐड की थी मास्टर कार्ड की, तेल भरवाया था, उससे पेमेंट की थी उन्होंने। प्रदर्शन कुछ नहीं किया है, ऐड की बस चले गए थे। हमें पड़ताल में विज्ञापन की शूटिंग के दौरान खींची गई कुछ तस्वीरें भी मिली। तस्वीरें अंधेरे में और दूर से ली गई हैं, इसलिए ज्यादा साफ नहीं नजर आ रही। इन तस्वीरों में धोनी के अलावा शूटिंग के लिए आए लोग भी दिख रहे हैं और पेट्रोल पंप पर विज्ञापन शूट करने के लिए पूरा सेटअप लगाया गया है। इतना ही नहीं, पड़ताल के दौरान शूटिंग के वक्त का वीडियो भी मिला जिससे पूरी कहानी साफ हो गई। वो फोटो वायरल हो रही है, एक्चुअली में वो एक एड शूट के लिए था और जो 29 अगस्त को हुआ है और ये भारत बंद और बाकी जो ये तो अभी 9-10 तारीख की बात है, 10 तारीख का। तो इस तरह से उस फोटो का इस मतलब चीज से कोई लेना देना नहीं है भारत बंद से। वायरल सच पड़ताल में सामने आया कि महेंद्र सिंह धोनी की ये तस्वीरें 29 अगस्त 2018 की है, जबकि पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ 10 सितंबर को भारत बंद किया गया था। महेंद्र सिंह धोनी की वायरल हो रही तस्वीरें विज्ञापन की शूटिंग की है, इसलिए हमारी पड़ताल में पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ धरने पर सब परिवार बैठे धोनी की तस्वीर का दावा झूठा साबित हुआ है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।